हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम छोटे कुल्फे की सब्जी से मुठिया बनाने जा रहे हैं, जिसे मराठी में छोटा घोल के मुट्ठे यानी कि फुंडके भी बोला जाता है और बारीक चीव के मुट्ठे यानी कि फुंडके भी बोला जाता है। तो इससे पहले मैं अपने चैनल पे छोटे कुल्फे की सब्जी किस तरह से साफ़ की जाती है और उसकी सब्जी किस तरह से बनाई जाती है उसकी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। तो चलिए फिर मुठिया बनाना शुरू करते हैं। तो मुठिया पकाने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीले में आधा लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जब तक पानी गर्म हो जाता है हम मुठिया की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मुठिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, 8 से 10 लाल मिर्च ली है, आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब सबसे पहले हम लाल मिर्च और जीरा पीस लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों सूखी है तो सूखी चीज़ें गीली चीज़ों के साथ अच्छी तरह से पीसी नहीं जाती। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसकी पाउडर बना लेते हैं। तो जीरा और लाल मिर्च को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमने बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो डाल देनी है। तो सबसे पहले हम अदरक को टुकड़ों में कट करके इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो पूरा 1 लहसुन का गड्ढा हमने यहाँ पे छील के इसमें डाल दिया है, धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के ही ये बिल्कुल अच्छे से पीसी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों के हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक सी पेस्ट बना ली है। तो इस चटनी को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमने भीगी हुई चने की दाल ली है। तो इस कटोरी से हमने 1 कटोरी चने की दाल लेके उसे 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया है। अब इसमें से आधी दाल को हम इस चटनी के बैटर में ही डाल देंगे और उसके बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे पीस लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीसते वक्त हम और इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस दाल को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसमें और हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसकी बिल्कुल बारीक सी पेस्ट बना ली है। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, देख सकते हैं। अब इसे हम 1 कटोरे में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बची हुई चने की दाल भी पीस लेंगे। तो सारी दाल को हमने पीस लिया है। अब इस कटोरे को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमने 250 ग्राम छोटे कुल्फे की यानी कि बारीक चीव की सब्जी ली है। अब इसे हम बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे इस तरह से। सब्जी को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है, तो इसे हम अच्छे से काट लेंगे ताकि खाते वक्त इसके डंठल जो है वो बीच में ना आए। तो इस सब्जी को काटने के बाद जो हमने चने की दाल का बैटर बना के लिया है उसमें हमें इस सब्जी को डाल देना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसी तरह हम सारी सब्जी को काट के इस बैटर में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी सब्जी को काट के बैटर में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इन सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बस चने की दाल की वजह से ही ये बैटर बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी मुठियाँ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर एक छलनी को तेल लगा लिया है। अब इसकी मुठिया बना के हम इस छलनी में वो मुठिया रखते जाएंगे। तो बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेंगे और इस तरह से इसकी लंबी लंबी मुठिया बना लेंगे। आप चाहे तो गोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर कटलेट के शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 मुठिया बना ली है, अब इसे हम इस छलनी में रख देंगे। अब इसी तरह मैं और 1 मुठिया आपको बना के दिखा देती हूँ। तो बस इसे भी हमें छलनी में रख देना है और इसी तरह हम सारी मुठिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मुठिया बना ली है, आप देख सकते हैं। तो अब बारी है इन्हें पकाने की।
तो हमने जो गैस पे पानी रखा था वो भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम इस छन्नी को रख देंगे और छन्नी को रखने के बाद इसके ऊपर हम एक ढक्कन रखेंगे और ढक्कन रखने के बाद गैस को हमें लो फ्लेम पे रख के मुठिया को 25 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो 25 मिनट मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है, उससे कम टाइम में भी आपकी मुठिया पक सकती है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से 10-15 मिनट पकाएंगे और उसके बाद अगर नीचे से पकी होगी तो इसकी साइड हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम पकने देंगे। तो पकने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो सारी मुठिया अच्छे से पकने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो लगभग 22-23 मिनट बाद हमारी मुठिया अच्छे से पक चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बीच में 2-3 बार मैंने इसे खोल के देख लिया था और एक बार इसको पलट भी लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारी मुठिया बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो अगर चेक करना है तो उसके लिए आप इस तरह से इसमें छुरी डाल लीजिएगा और आप देख सकते हैं छुरी बिल्कुल क्लीन आ जाए, मतलब हमारी मुठिया बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो पकने के बाद मुठिया बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाती है, इसमें कुछ भी गीलापन नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि आपकी मुठिया अच्छी तरह से पक चुकी है। तो हमारी मुठिया तो रेडी है और इन्हें हमने कढ़ी चावल के साथ सर्व भी किया है। आप चाहे तो इसके साथ चपाती और ज्वार की रोटी भी सर्व कर सकते हैं। तो मुठिया को आप कढ़ी चावल के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं या फिर सिर्फ कढ़ी में मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी और इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। बस एक गैस पे चावल चढ़ा दीजिएगा जिसके ऊपर मुठिया भी पका लीजिएगा और दूसरे गैस पे कढ़ी बना लीजिएगा। तो बस 30 मिनट में आपका ये बेहतरीन खाना रेडी हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो मुठिया को वैसे भी खा सकते हैं, ये मुठिया वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज़ कुकिंग।